तो दिग्विजय सिंह जी कुछ भी कह सकते हैं, उम्र भी ज्यादा हो गई है, और उम्र ज्यादा हो जाती है तो जितना मैं समझ पाया कि दिग्विजय सिंह जी ने मुझे गाली देने से पहले जो बोला वो महत्वपूर्ण था कि भारतीय जनता पार्टी पंच, सरपंच, पार्षद, मेयर, जनपद, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा सब में भारतीय जनता पार्टी आ गई है, तो ये उनकी जो मन की पीड़ा है ये उन्हें मुझे लगता है गुस्सा दिलाती है। तो जब उम्र ज्यादा हो जाती है और जब गुस्सा आता है तो फिर हम क्या बोल रहे हैं ये याद नहीं रहता है, हम किस स्थान पर रहे हैं ये याद नहीं रहता है। तो मैंने तो कल उनसे यही अनुरोध किया कि आप मुझे गाली दीजिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है और भाजपा के कार्यकर्ताओं की ताकत है जिसके बल पर मैं खड़ा होता हूं, और इसीलिए इतना जरूर मैं कहता हूं कि अनुसूचित जाति जनजाति के भाई और बहनों के हक और अधिकार पर दिग्विजय सिंह जी आकर डांका डालेंगे तो इसका कड़ा जवाब, और इसलिए मैंने कहा था अगर इस डांका डालने में आपका पौरुषत्व तो दिखाई देता है तो मैं उन भाई और बहनों के साथ खड़ा हूं और मैं चुनौती भी आपको देता हूं, मैंने कहा था। लेकिन मैं फिर कहता हूं यह उनका रोज का काम है, क्योंकि जब अस्तित्व व्यक्ति खो देता है, जब अप्रासंगिक हो जाते हैं तो कैसे आप लोगों के सामने आना, इसी प्रकार की गाली गलौज पर लोग उतरते हैं, और इसलिए आज ही फिर हम चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो उनकी चर्चा कैसे होगी। तो ये मुझे लगता है कि दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस, कांग्रेस की लीडरशिप आज अप्रासंगिक हो गई है, तो इसलिए चर्चा में आने के लिए इस प्रकार की आरोप प्रत्यारोप अवर्ध भाषा का उपयोग वो जानबूझकर करते हैं। देखिए देखिए, ऐसा मैं मानता हूं कि उन्हें भाजपा जहर लगती है या भाजपा अमृत है, तो ये दिग्विजय सिंह या जीतू पटवारी तय नहीं करेंगे, ये मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता ये तय करेगी कि भाजपा जहर है या भाजपा अमृत है या भाजपा गरीबों के कल्याण के लिए काम करने वाला दल है, तो ये सर्टिफिकेट तो जनता देती है। जीतू पटवारी जी, जनता ने अभी आपको दिया है सर्टिफिकेट, आपको उखाड़ के फेंक दिया, लोकसभा में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर आपको बता दिया कि आप क्या हो, अभी हमें कहने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वो भी मदमस्त हैं, कुछ ही बोलने में क्या जाता है, कुछ ही बोलो। से मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप के हाल ऐसे हो गए हैं कि अनाप शनाप बातें ही वो करना चाहते हैं।